वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से टॉप 10 मिथ को कंफर्म या बस्टेड करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट मिथ है, गन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। गन वाले ऑप्शन में खाली ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फायर करने का ऑप्शन गायब हो जाएगा। क्या गाइस सच में अपना जो पंच वाला ऑप्शन होता है गाइस वो रिमूव हो जाएगा? तो चलो गाइस फटाफट मिथ को ट्राई कर लेते हैं। और गाइस मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब गाइस मैं जैसे यहाँ पे खाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या गाइस सच में गायब होगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो अपना जो पंच बना हुआ जो ऑप्शन आता है जो इससे गाइस हम फायर वगैरह फाइट वगैरह करते हैं तो गाइस वो यहाँ पे हो चुका है रिमूव। तो गाइस ये मिथ हो जाता है कंफर्म्ड। मिथ नंबर 2, UI ऑफ करने के बाद गैलरी में जाओ फिर देखो होता है मैजिक। तो गाइस देखते हैं कौन सा मैजिक यहाँ पे होने वाला है UI ऑफ करने के बाद। तो चलो गाइस मैं फटाफट इस मिथ को ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस सिंपली अपने को UI ऑफ करना है। तो गाइस मैं फटाफट अपने फोन को निकाल के RGS टूल में UI ऑफ कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए मैंने UI ऑफ टाइप कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे मैं फटाफट इसको सेव कर लेता हूँ। तो गाइस ये हो चुका है सेव एंड गाइस अपने UI ऑप्शन हो चुके हैं ऑफ। अब गाइस अपने को जाना है गैलरी के अंदर। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट गैलरी के अंदर। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो गैलरी के अंदर सिंपली अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं वही देखने को मिल रहे हैं अपने को। और गाइस यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला या गाइस कोई भी मैजिक देखने को मेरे को तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड गाइस अगर आपको यहाँ पे कोई भी मैजिक वगैरह या गाइस कुछ भी देखने को मिला हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस ये मिथ हो जाता है बस्टेड। मिथ नंबर 3, 100 वाली कार को स्पॉन करो, उसको ब्लास्ट करो, उस पर फिर RGB करो तो होगा मैजिक। तो गाइस देखते हैं फटाफट अपनी 100 वाली पुलिस कार पे कौन सा मैजिक होने वाला है। तो गाइस मैं फटाफट यहाँ पे अपने 100 वाली कार को स्पॉन कर लेता हूँ। तो गाइस ये आ चुकी है अपने 100 वाली पुलिस वाली की बड़ी कार। अब गाइस चलो इसको फटाफट ब्लास्ट करते हैं। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे RPG से नहीं, यहाँ से इसको मैं AK-47 से फटाफट ब्लास्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये हो चुका ब्लास्ट होना शुरू। एंड गाइस थोड़ी देर के बाद ये कार हो जाती है ब्लास्ट। अब गाइस थोड़ी देर बाद इसके ऊपर करना है RGB। तो चलो गाइस मैं फटाफट अपने फोन को निकाल के इसके ऊपर RGB कर लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो RGB करने के बाद अपनी जो पुलिस कार थी उसका लुक पूरा चेंज हो गया, एक मॉडिफाइड कार की तरह देखने को मिल रही है। एंड गाइस यहाँ पे बैक साइड अगर आप देखोगे तो आपको पुलिस का जो लोगो है गाइस वो काफ़ी खतरनाक देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका बैक साइड का जो पुलिस का लिखा हुआ लोगो है गाइस एंट्रल, वो गाइस काफ़ी ही डेंजर लुक देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे मिथ के अनुसार मैजिक हुआ है। तो गाइस ये मिथ हो जाता है कन्फर्म्ड। मिथ नंबर 4, अगर आप इन्फिनिटी हेल्थ लगा के एयरपोर्ट वाले प्लेन में आग लगा के बैठोगे तो होगा मैजिक। तो गाइस देखते हैं फटाफट एयरपोर्ट पे चल के कौन सा मैजिक होता है ब्लास्ट करके बैठने पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट वाले प्लेन के पास। तो गाइस आप देख सकते हो यही वो प्राइवेट जेट जिसके अंदर अपने को आग लगा के अंदर बैठना है। तो चलो गाइस मैं फटाफट यहाँ पे AK-47 से इसको फटाफट ब्लास्ट कर देता हूँ। तो गाइस कुछ देर के बाद इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और गाइस फाइनली ब्लास्ट हो चुका है। चल भाई फटाफट अंदर बैठ जा। तो गाइस मैं फाइनली इसके अंदर बैठ चुका हूँ। अब देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे अपना प्लेन क्रैश हो चुका है एंड यहाँ पे गाइस हम वास्टेड हो चुके हैं। तो मिथ के अनुसार यहाँ पे मैजिक हुआ है। तो गाइस ये मिथ हो जाता है कंफर्म्ड। मिथ नंबर 5, आप जाओ मेगा रैम के ऊपर डॉग स्पॉन करो, डॉग फॉलोइंग करेगा और फॉलो भी नहीं करेगा। क्या गाइस सच में ऐसा होता है? ऐसा कौन सा मेगा रैम? तो चलो गाइस मैं आ चुका हूँ एक मेगा रैम के ऊपर। एंड गाइस यहाँ पे सिंपली एक डॉग को स्पॉन करते हैं और देखते हैं क्या गाइस ये नीचे फ्लाइंग तो नहीं कर रहा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक डॉग स्पॉन कर लिया है। अब गाइस के पैर को चेक कर लेते हैं। तो गाइस इसके चारों पैर यहाँ पे जमीन के ऊपर ही टिके हुए हैं। एंड गाइस चलो अब चलते हैं अब मेगा रैम के ऊपर और गाइस वहाँ पे डॉग स्पॉन करना है। तो देखते हैं क्या गाइस सच में अपना डॉग फ्लाइंग करेगा और फॉलो भी नहीं करेगा। तो चलो गाइस मैं फटाफट मेगा रैम के ऊपर चढ़ जाता हूं। तो गाइस यहां पे एक डॉग को स्पॉन करते हैं। तो गाइस मैंने चीट कोड की सहायता से यहां पे एक डॉग को स्पॉन कर लिया है। अब गाइस को चेक करते हैं क्या गाइस सच में फ्लाइंग कर रहा है। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो अपना डॉग मेगा रैम के टच भी नहीं हो रहा है। गाइस यहां पे रियली में फ्लाइंग कर रहा है। एंड गाइस मैं आगे पीछे हो रहा हूं तो गाइस डॉग फॉलो भी नहीं कर रहा है। तो गाइस मिथ के अनुसार यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा है डॉग। अब चलो गाइस इसको थोड़ी गोलियाँ वगैरह मारते हैं, देखते हैं क्या गाइस ये नीचे जाता है कि नहीं जाता है। तो गाइस मैं जैसे इस पर फायर करता हूँ तो गाइस यहाँ पे इसको बुलेट वगैरह लगी। तो गाइस ये देखो नीचे जा रहा है। तो गाइस इसने यहाँ पे फ्लाइंग भी किया और फॉलो भी नहीं किया गाइस। तो मिथ के अनुसार यहाँ पे डॉग अपने को फ्लाइंग नहीं कर रहा है। तो गाइस ये मिथ हो जाता है कन्फर्म्ड। नंबर 6, अगर आप एयरपोर्ट वाले आर पार वाले फेंस पे अपनी थार को रोकोगे तो अपनी थार वॉइड में चली जाएगी। क्या गाइस सच में अपनी थार वॉइड में चली जाएगी? तो चलो गाइस फटाफट ढूंढते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक फेंस को ढूंढ लिया है। गाइस यही वो फेंस है जिसके हम आर पार निकल सकते हैं। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे आपको एक बाइक को
ट्राई करा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे हायबुसा के इसके पास लेके गया तो गाइस इधर से उधर जाली के आर पार में निकल चुका हूँ। तो गाइस मिथ के अनुसार यही वो फैंस है। तो गाइस मैं फटाफट यहाँ पे एक थार को स्पॉन कर लेता हूँ। तो गाइस ये आ गई अपनी थार। अब चलो गाइस फटाफट इसको लेके चलते हैं इस फैंस के पास में और गाइस देखते हैं क्या सच में वॉइड में जाएगी कि नहीं। तो गाइस चलो मैं यहाँ पे अपनी थार को धीरे धीरे यहाँ पे इस फैंस के पास में लेके जाता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी थार बिल्कुल इसके नज़दीक जा चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे मैं स्लो मोशन के अंदर इसके अंदर एंटर करता हूँ। तो गाइस आधी थार बाहर निकलने के बाद गाइस फिर अपनी थार पलट के गाइस एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी है। तो गाइस चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शायद फिर चली जाए। तो गाइस मैं यहाँ पे सेकंड बार फिर ट्राई कर देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे गाइस इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस फिर भी यहाँ पे वॉइड में नहीं गई और गाइस ये यहाँ से एयरपोर्ट के बाहर की साइड आके गिर चुकी है। तो गाइस कोई बात नहीं, मिथ के अनुसार ये वॉइड में नहीं गई है, फिर भी गाइस हम एक बार और ट्राई कर ले। तो गाइस मैं यहाँ पे दूसरी थार को स्पॉन करके गाइस इसको तीसरी बार इस मिथ को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस देखते हैं शायद इस बार वॉइड में चली जाए। तो गाइस मैं यहाँ पे तीसरी बार इस थार को फिर से न्यू वाली थार को स्पॉन करके गाइस ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस इस बार मैं काफ़ी स्लो मोशन के अंदर थार को ले जा रहा हूँ। तो गाइस देखते हैं वॉइड में जाएगी कि नहीं। तो गाइस इस बार ये यहाँ पे अटक तो गई है लेकिन गाइस ये फिर बाहर गिर चुकी है एयरपोर्ट की। तो गाइस मिथ के अनुसार ये वॉइड में नहीं गई है। गाइस मिथ के अनुसार ये वॉइड में चली जानी थी लेकिन ये वॉइड के अंदर नहीं गई है। तो गाइस ये मिथ हो जाता है बस्टेड। तो फाइनल दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। गाइस हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।